कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण करेंगे हम, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। यदि आपको कक्षा 10 गणित और विज्ञान का कंप्लीट कोर्स वीडियो के माध्यम से फ्री में प्राप्त करना है, तो आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में मिलेगा। और यदि आपको समझ में आता है तो आप अधिक से अधिक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कोर्स को प्राप्त करके अपनी कोचिंग घर बैठे कर सके। ठीक है, तो देखो उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। आपको ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके लिए पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, प्रथम पद इसको अंग्रेजी के ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को ए से। अब देखो इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले कितना है, माइनस का 5, तो आपका प्रथम पद भी हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले वो प्रथम पद होगा, और इसे कहीं से प्रदर्शित करोगे, ए से। अब हमें ज्ञात करना है सार्वंतर, सार्वंतर को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, कैसे, डी से। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, लगातार दो पद लेते हैं, जैसे ये दोनों ले लिए, तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। लगातार दो पद ले लो कोई से भी, ये दोनों ले लो तो पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, ये दोनों ले लो तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। जैसे मैंने इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया, इसको A4 मान लिया, ऐसा मान सकते हो आप। अगर मैं ये दोनों पद लेता हूँ तो मुझे A2 में से A1 घटाना है, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। अब देखो पीछे कितना है, माइनस का 1। ठीक है, अब ये माइनस, A1 कितना है, माइनस का 5। बाहर माइनस था इस वजह से मैंने कोष्टक लगाया। अब इसको करो माइनस का 1, पहले इसको होगा, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना 5। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो बताओ बेटा सार्वंतर कितना आ गया, 4 आ गया। मान लो जैसे ये नंबर माइनस वाले थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये वाले दोनों नंबर ले लो तो आसान रहेगा, जैसे ऐसे भी याद कर, ये दोनों नंबर लिए, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, मतलब A4 में से क्या घटाना है, A3 घटाना है। A4 कितना, 7, A3 कितना, 3, तो 7 में से 3 गए तो कितने आ गए, 4 आ गए। देखो ये आसान हो गया ना, इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। उदाहरण नंबर 2, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। आपको ये दे रखी है, इसमें आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है तो आपको ज्ञात करना है सार्वंतर। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। इन सभी पदों के बीच का सार्वंतर ज्ञात करना है, जैसे इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, सभी का सार्वंतर अगर बराबर आया, सभी का सार्वंतर क्या आया, बराबर, तो ये समांतर श्रेणी होगी। अगर बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले माना कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सबके बीच का सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर को कहीं से लिखते हैं, डी से। तो डी बराबर, देखो पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, A2 में से क्या घटाओगे, A1। मैंने बताया भी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 कितना बेटा, 10, A1 कितना, माइनस का 4, माइनस ये और ये 4 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएंगे, आ गए 6, मतलब इसका सार्वंतर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का सार्वंतर निकाल लिया, अब इनका निकालो, फिर डी निकालेंगे, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद, A3 माइनस A2, A3 कितना, 16, माइनस A2 कितना, 10, बताओ 16 में से 10 गए तो ये भी कितने बच गए, 6 बच गए। इन दोनों के बीच का निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच का सार्वंतर निकालो, बताओ इन दोनों के बीच का कैसे निकालोगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, A4 माइनस A3, बताओ A4 कितना, 22, माइनस A3 कितना, 16, देखो 22 में से 16 गए तो कितने आ गए आपके, 6 आ गए। देखो सभी पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, अगर बराबर आ रहा है तो क्या ही है, अतः यह समांतर श्रेणी है, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है, क्योंकि कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी पदों का सार्वंतर
सभी पदों का सार्वंतर सार्वंतर समान है। आगे समझ में, यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी पदों का जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। अब देखो ये दूसरा वाला, यहां भी ऐसे ही करना है, सेम जांच करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे माना ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ये ए फाइव है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहे, लिख रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। अब यहाँ भी सार मंत्र निकालो डी, सबसे पहले इन दोनों के बीच का, मतलब ए टू में से क्या घटाओगे, ए वन, बताओ ए टू कितना, दो, माइनस ए वन कितना, माइनस का दो, ठीक है। हल करो देखो इसको, ये कितना हो गया आपके दो, यहाँ देख लेते, यहाँ देख लो दो, ठीक है। पहले इन दोनों को हल करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, कितना दो, दो और दो कितने हो गए, ये हो गए आपके चार, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, चार का। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, डी बराबर ए थ्री में से क्या घटाओगे, ए टू, ए थ्री माइनस ए टू, बताओ ए थ्री कितना है बेटा, माइनस का दो, फिर माइनस, अब ए टू कितना है, ए टू है दो। अब देखो यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, माइनस का दो और माइनस का दो कितना हो गया, माइनस का चार हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर तो प्लस का चार, इन दोनों के बीच का अंतर माइनस का चार, दोनों का अंतर अलग है, इन दोनों के बीच तो प्लस का चार है और इन दोनों के बीच माइनस का चार है, अंतर अलग है ना, तो आगे आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इनके यह सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, लिख सकते हो। आगे समझ में, ऐसे आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है। अब देखो सवाल नंबर तीन, निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इनका सार्वंतर ज्ञात करना है तथा उनके अगले चार पद लिखिए और इनके आगे जो है ना चार और पद लिखने हैं, जैसे एक दो तीन चार तो है, पांचवा भी लिखना है, छह सात आठ पद तक लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है और ये ए फोर है, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले तो सार्वंतर मतलब डी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, लगातार दो पद ले लो, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, मतलब ए टू माइनस ए वन, बताओ ए टू कितना, ये माइनस का तीन, फिर माइनस ए वन कितना, जीरो, अब माइनस तीन में जीरो घटाओ चाहे जीरो जोड़ो, क्या आएगा, माइनस तीन ही आएगा। निकाल लिया सार्वंतर, बस यहाँ आपको एक ही बार निकालना है क्योंकि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जांच नहीं करनी है, जांच करनी है तो आपको सभी पद देखने, और वहां जांच नहीं करनी है तो एक है सार्वंतर, सार्वंतर कितना आ गया, माइनस का तीन। अब ये कह रहा है कि इसके अगले चार पद ज्ञात करो, अगले कितने पद ज्ञात करने हैं, चार, देखो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अब ए फाइव ज्ञात करना है, ए सिक्स ज्ञात करना है, ए सेवन ज्ञात करना है, ए एट ज्ञात करना है, हो गए ना चार पद, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा, मतलब ए फाइव। अब देखो बेटा कैसे ज्ञात करोगे, दो तरीके हैं, अगर आपको ए फाइव ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ ए प्लस फोर डी लिखोगे, ए प्लस कितने डी, चार डी, मतलब पांच है ना तो इससे एक कम डी लिखना है, जैसे यहाँ पांच है तो चार डी लिख दिया मैंने। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ए, ए का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है, जीरो, ये ए वन तो हमने माना है, बाकी इसका जो पहला पद है ना वो जीरो है, तो यहाँ जीरो प्लस, ये प्लस है, चार गुणा डी कितना है, माइनस का तीन। हल करेंगे देखो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे जीरो आएगा। अब देखो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, चार की कितना हो गया, बारह हो गया। आगे समझ में, या तो आप ऐसे ज्ञात कर लो, या एक तरीका और इसमें बता देता हूं, अगर आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, अगर आपको क्या ज्ञात करना है, पांचवा पद, तो हम क्या करेंगे, ये जो चौथा पद है ना, चौथा पद है, उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर। अब देखो चौथा पद कितना है, माइनस का नौ, फिर प्लस, अब डी सार्वंतर कितना है, माइनस का तीन, तो माइनस का नौ, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस तीन,
9 और 3 कितने हो गए माइनस के 12। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, ठीक है ना। a5 a+4d दोनों में से कोई सा तरीका लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है बेटा। अब देखो पांचवा ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करेंगे छठा a6। तो कैसे देखो a प्लस अब छह है ना, तो आपको a कम कर दो 5d, a प्लस 5d। अब देखो a कितना, वही है सबसे पहले 0 प्लस 4 a कितने हैं 5 और गुणा कितना है माइनस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 थी 15 आ जाएगा। अब a7 तो a प्लस a कम कर दो कितने डी 6d, तो a का मान वही कितना 0 प्लस कितना 6 गुणा डी मतलब कितना आया माइनस का 3। अब 0 को तो कोई मतलब ही नहीं था, 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे 0 आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस 36 कितना हो गया 18, फिर a कितना 8, आठवां ज्ञात करना है तो कैसे a प्लस a कम कर दो 8 से तो 7d आ जाएगा। ये तो वही 0 प्लस 7 इंटू डी का मान वही कितना माइनस का 3, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस 7 यहाँ कितना हो गया 21 हो गया। तो ये हो गया आपके समांतर श्रेणी के कितने पद, अगले 4 पद। अर्धवार्षिक परीक्षा में आता है ऐसा सवाल, तो आपको ये ध्यान से देखना है। अब देखो दूसरा वाला माइनस का है, पहले तो ज्ञात करो सार्बंधक सेम इसी की तरह, जैसे ये तो a1 है, ये a2 है, ये a3 है। पहले तो ज्ञात करेंगे सार्बंधक मतलब d कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं, मतलब a2 में से a1 घटाएंगे। बताओ बेटा a2 कितना माइनस का 5/6, फिर माइनस a1 कितना माइनस का 1। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि बार माइनस है। अब देखो पहले हल करेंगे, देखो माइनस का 5/6 माइनस को प्लस से माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस कितना 1, ठीक है ना। अब देखो हल करेंगे ना इसको, तो कैसे करेंगे 6 एकम 6। अब ये माइनस का है ना, तो 6 में से 5 गया तो कितना बच गया 1 और बटन कितना आ जाएगा 6। समझ रहे हो बात को, 6 एकम 6 हो गया। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और नीचे बटे में 6 लिखना है, एक बड़ा 6 आ गया, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका है, या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लघुतम लेके कर लो, ठीक है ना बेटा। माना यहाँ भाग में 1 लगा दिया मैंने, ठीक है, तो लघुतम कितना आएगा 6 आएगा। 6 का भाग 6 में, एक बार 1 को माइनस 5 से गुणा माइनस 5, प्लस है तो प्लस। अब 1 का भाग 6 में, 6 बार 6 को 1 से गुणा 6, देखो 6 में से 5 गया तो वही कितना आएगा 6 आएगा। ये शॉर्ट तरीका ये करना है आपको, तो अंतर कितना आ गया बेटा 1/6 आ गया अंतर। अब आपको कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो 3 तो है ही सही, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा ज्ञात करना है, सातवा ज्ञात करना है, हो गए ना आपके 4 पद। देखो चौथा करते हैं a4। बताओ बेटा a4 कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस कितने डी 3d, 1 कम कर दो, ठीक है ना, 4 है तो 1 कम कर दो। तो बताओ देखो a मतलब सबसे पहले कितना है माइनस का 1 प्लस, इसमें सोचना कि ये a1 है, ये तो हमने माना है, ठीक है ना। पहले पहले जो होता है वो पहला पद होता है, उसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब a प्लस 3 गुणा डी, डी कितना है बेटा 1/6, सार्बंधक कितना आया 1/6 आ गया। अब देखो हल करेंगे, पहले गुणा करते हैं, देखो 3 × 6 दो बार कट गया, तो कितना बचा माइनस का 1 और प्लस का 1/2। अब देखो हल करेंगे, 2 एकम 2 किसके हो गए माइनस के, माइनस के 2 में से कितना घटाएं कितना जोड़ेंगे प्लस का 1, 2 एकम 2 माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे, तो देखो घटाएं प्लस माइनस से घटेगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 किसका बचेगा माइनस का और नीचे कितना 2 आ गया, तो आ गया माइनस का 1/2, 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 घटाना पड़ेगा तो 1 रह जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और बाग में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया माइनस का 1/2 है समझे, या फिर अगर ऐसे नहीं आता है तो लघुतम लेके कर सकते हो आप लोग, कैसे देखो माइनस का 1 और बटे में 1 लगा सकते हैं, एक फिर 1/2, बटे में 1 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ लघुतम कितना आएगा 2 आएगा,
एक का भाग दो में दो बार, दो को एक से गुणा दो गया, प्लस दो का भाग दो में एक बार, एक को एक से गुणा एक हो गया। देखो दो में से एक कटाएंगे तो एक बटा दो, वही चीज आ जाएगी आपके। तो ये शॉर्ट है, ऐसे कर लो आप। आ गया। अब देखो पांचवा ज्ञात करेंगे तो बटो बेटा कैसे है, ए प्लस पांच है तो चार डी। अब ए तो वही है, माइनस का ए प्लस कितना, देखो चार है, चार गुणा डी कितना, एक बटा छ। अब देखो माइनस का एक हल करेंगे ना, माइनस का एक। अब देखो भाग दो का भाग इसमें दो बार और दो का भाग इसमें तीन बार, ठीक है, दो एकम प्लस है, दो एकम दो बटा तीन, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान देना इधर, तीन एकम तीन, तीन किसका, माइनस का, तीन में से दो हटाए तो माइनस का एक और बटे में तीन, समझ में गया, तीन एकम तीन, तीन माइनस का हो गया। अब दो प्लस का है तो तीन में से दो गए तो एक, माइनस का बचेगा बटे में तीन आ जाएगा। अब देखो छठा ज्ञात करना है तो ए प्लस कितने डी, पांच डी, ए कितना वही माइनस का ए प्लस पांच इंटू, अब डी कितना एक बटा छ। अब देखो माइनस का ए, ये दोनों हल कट रहे कि किसी संख्या से नहीं कटेंगे, पांच एकम प्लस पांच बटा छ, अब वही तरीका, छ एकम छ, छ किसका हो गया माइनस का, छ में से पांच घटाओ माइनस का एक बटे में छ। अब देखो सातवां भी ज्ञात करना है तो सातवां ए प्लस कितने डी, छ डी, सात से एकम, तो देखो ए का मान माइनस का एक प्लस छ इंटू डी, डी का मान एक बटा छ, छ से छ कट गया, क्या बचा माइनस का एक प्लस एक, अब एक प्लस का और एक माइनस का, एक में से एक क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो आगे चार पद, एक दो तीन और चार, उतारो।